हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये कोई ऐसा वैसा हॉल नहीं है, पूरा इंटरनेशनल हॉल है। जस्ट किडिंग। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ अली एक्सप्रेस का हॉल। तो अली एक्सप्रेस एक ऑनलाइन साइट है जो कि इंडिया की नहीं है, बाहर की है, और मैंने वहां से कुछ सामान ऑर्डर किया था जो कि आ गया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करना बनता है, तो इसलिए वो सब शेयर कर लेती हूँ। बहुत सारा सामान मैंने वहां से मंगवाया था, ऑलमोस्ट सम 5 से 6 थाउजेंड का सामान था जो मैंने वहां से मंगाया था। बट एक प्रॉब्लम होती है कि वहां से सामान आने में गाइस बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब आप मान के चलिए कि 60 डेज मिनिमम आपको लग जाएंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम आपके चलिए कि आपका जो सामान है वो आएगा, और बहुत ही ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में आता है। आज एक सामान का डिलीवरी हो गया, कल दो का हो जाएगा, फिर परसों एक का हो जाएगा। इस टाइप से आपका सामान बहुत ही ज्यादा इंस्टॉलमेंट में आता है। तो मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा ऑलमोस्ट इतना सामान आ जाए कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो गाइज, ये है मेरा वो बहुत ही प्यारा सा नेक पीस जो आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको पेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका चाहे इंडियन लुक क्रिएट करना हो, चाहे आपको वेस्टर्न लुक क्रिएट करना हो, आप इसको अपने साथ कैरी जरूर कर सकते हैं। पहनने के बाद ये आपको रॉयल लुक देता है। अभी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा टॉप पहना है, टॉप के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपका आउटफिट है, कोई गाउन है, साड़ी है, इंडो वेस्टर्न है, कुछ भी है जिसमें आपका नेक विजिबल है, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। मैं आपको इसको ऐसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ कि इसकी ब्यूटी कितनी ज्यादा है, और एक ब्यूटीफुल लेडी के ऊपर ये बहुत सुंदर लगने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वंस अगेन गाइस, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरी अपनी चॉइस है, तो मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। और बहुत ही ज्यादा प्रिटी है ये गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है, और आप इसको इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी टाइप का गाइस ये चेन है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका ब्रेसलेट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आते हैं गाइस, इसके ये दो बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं इसके साथ। तो अगर आपको हैवी लुक चाहिए, तो आउटफिट है वो खुद ही बहुत ज्यादा हैवी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और खाली इससे पहन सकते हैं। इसे भी पहनेंगे तो आप एकदम रॉयल फील आपको आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रिटी वाला ये पीस है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं ये। तो गाइस, नेक्स्ट है मेरे पास ये क्यूट टाइनी माइनी से हेयर क्लिप्स हैं। ये आप इनको पिन भी कह सकते हो, क्लिप्स भी कह सकते हो, जो कि बहुत प्यारे लगने वाले हैं आपके ऊपर भी, और आपकी कोई छोटी क्यूटी मीटी डॉटर है तो उसके ऊपर भी ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पेयर कर सकते हैं, आई एम श्योर बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं, लुक बहुत अच्छा देते हैं ये गाइस, एकदम बीट्स वाले हैं ये। आपको H&M वगैरह में बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे, अगर आप जाएंगे किसी भी मॉल में स्टोर से लेने, H&M या कहीं भी आप जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलने वाले हैं। और अली एक्सप्रेस पे आपको ये बहुत ही ज्यादा मिनिमल अफोर्डेबल रेट्स में आपको ये मिल जाता है। गाइज, मेरे पास है ये प्यारा सा पीस, आप इसे यहां से देख सकते। गाइज, ये कितना प्यारा है, और आपके बालों पर ये कितना ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। अगर आप अपना कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं, हेयर लुक आपने क्रिएट किया है, और अगर आप इसको लगा लेंगे, पीछे कोई आपने जूड़ा बनाया है, बन बनाया है आपने, या फिर आप अपने बालों को ऐसा ही लूज छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगने वाला है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल मेरे ड्रेस से और मेरे बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, और मुझे पसंद बहुत आया था। बट इसमें कोई भी होल्डर नहीं है ऐसा कि जिसमें आप अपने कीज लगा सकें, तो ये अंदर से ऐसा दिखता है एकदम, जैसे रख सकती हूँ, स्टड रख सकती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी जो छोटा मोटा होता है, आपको लगता है कि आपको उसके लिए बॉक्स चाहिए, तो आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें उसको रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जिप दे रखी है इसकी, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये। अगर आप इसमें कोई अपना डेलिकेट सामान भी रखते हैं तो भी आप अच्छे से रख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये। तो मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे पास है एक और की चेन, ये प्योर लेदर का है गाइस, और बहुत बहुत अच्छा है। इस टाइप के मैंने दो मंगवाए थे, एक इस कलर का है जो कि बिल्कुल एकदम लेदर का है, डार्क ब्राउन से कलर का, और एक है एकदम लाइट से पर्पल कलर का। तो उनमें से एक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये भी की चेन है, की चेन होल्डर है, और आप इसको जैसे आप अपना 4 व्हीलर का हो, 2 व्हीलर का हो, कीज इसमें रख सकते हैं, और आप इसको अपनी बेल्ट में या अपने ट्राउजर में इसको फिट कर सकते हैं कि आपका कहीं खोएगा नहीं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा कि इसमें मैंने काफी सारे
जो कीज है वो रख रखे हैं आप इसमें। सो गाइस इसमें आप अपना फोर व्हीलर का चाबी रख सकते हैं, टू व्हीलर का चाबी रख सकते हैं, अपने घर का चाबी रख सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं आपको सारी कीज एक साथ रखनी है तो आप इस अच्छे से की पाउच में अपनी सारी की सारी जो कीज है उनको आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। दिखता बहुत अच्छा है गाइस, प्योर लेदर का है, क्वालिटी बहुत फाइन है, बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में ये लटका रहेगा तो जहाँ पे ये लटकेगा और वहां पे ये स्क्रैचेस ला देगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बहुत सॉफ्ट लेदर है तो आपकी गाड़ी को, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को कहीं किसी तरीके से स्क्रैचेस हम इससे नहीं आने वाले हैं। सो चेकआउट। उसके बाद गाइस है मेरे पास नेक्स्ट राइडिंग ग्लव्स है। ये कोइंसिडेंस है गाइस, सब कुछ जो मेरा सामान है वो मेरे ड्रेस और मेरे बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, सब ऑलमोस्ट सेम ही कलर का है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे कलर लगे तो मुझे लगा यही मुझे ले लेने चाहिए। तो ये राइडिंग ग्लव्स है गाइस। अगर आप टू व्हीलर पे राइड करते हैं तो जैसे हेलमेट जरूरी होता है वैसे ग्लव्स भी जरूरी हो, आपके हाथों को, नकल्स को कोई चोट ना लगे। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। चाहे तो विंटर्स में भी आप इसे पहन सकते हैं, आपको एकदम स्विट्जरलैंड वाला फील इसमें पहन के आने वाला है। काफी ज्यादा अच्छे हैं ये, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और बस और एक ग्लव्स का पेयर है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है, वो है इसमें ब्लैक कलर में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ये, और इसे आप लेडीज जेंट्स कोई भी पहन सकते हैं। तो पीछे से देखिए, यहाँ से देखिए गाइस कितना अच्छा है, और ये आपको पूरा प्रॉपर ग्रिप प्रोवाइड कराता है, ऐसा नहीं है कि ये स्लिप हो जाएगा, अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड कराएगा। अगर आपका हाथ पतला है तो आप इसे ऐसे ही पहन सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जिप दे रखी है, जिप को आप यहाँ पे ओपन करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी इसे पहन सकते हैं, तो थोड़ा सा लूज भी हो जाता है। एमजी, ओ माय गॉड, दिस इज सो लवली। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपकी छोटी डॉटर है आप उसे अच्छे से रैबिट बना के उसे क्यूट से सजा सकते हैं, या फिर अगर आपकी डॉटर नहीं है और आपको खुद ही रैबिट बनना है तो आप इसे पहन के अपने मेकअप्स में इसमें हेल्प कर सकते हैं, या आप कोई फेशियल कर रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं, DIY लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप इसका हेल्प जरूर ले सकते हैं। तो किस तरह बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है आपके ऊपर भी, और किसी को आप ही चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं, बहुत सुंदर ये लगने वाला है। आप मेकअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बाल आगे ना आए, यहाँ वाले तो आप चक चक अपना मेकअप कर सकते हैं और मेकअप करने के बाद इसे हटा सकते हैं। गाइस इसके बाद आती है बहुत ही प्यारे से डार्क ब्राउन डोनट की बारी। तो एक डोनट ही मैंने मंगवाया था अली एक्सप्रेस से, बहुत ही प्यारा है, इसे आप अपने हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको हाई बन बनाना है तो आप हाई बन बना सकते हैं, आप पोनी टेल बना सकते हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग आप अपने हेयर के लिए इससे कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा है ये, इसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है बट आई थिंक मैं इसको अभी बहुत जल्दी यूज करने वाली हूँ, और अगर यूज किया तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस कैसे लगे मेरी चॉइस, मेरे जो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।